हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ते बच्चों के साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए चलिए वीडियो शुरू करें। तो बढ़ते बच्चों से मेरा यहाँ पर मतलब है, अगर आपका बच्चा 8, 9, 10 साल का है या 12, 13 साल का भी है, टीनेज में भी है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। चाहे आप वर्किंग है, बिजी है, लेकिन फिर भी रेगुलरली बच्चों के साथ बातें करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है, उनको आप ज़रूर से पूछो कि बताओ आज स्कूल में क्या हुआ। इससे क्या होगा कि बच्चों के स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है ये आपको पता चलेगा। बच्चों के टीचर कैसे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे बच्चों के साथ वो उठता बैठता है, टिफिन शेयर करता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो रेगुलरली अगर आप बच्चे के साथ बातें करते रहेंगे तो उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं आपको पता होगा। कई बार क्या होता है कि इस उम्र में, जैसे बच्चे 5th 6th स्टैंडर्ड में होते हैं, बच्चों में बुली होने वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे और बच्चे किसी एक बच्चे को चिढ़ाएंगे, जैसे आपका बच्चा किसी और बच्चे को भी चिढ़ा सकता है, या कोई और बच्चों का ग्रुप आपके बच्चे को भी बुली कर सकता है। इन चीज़ों से बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की लाइफ में चल रही है या नहीं, इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप रेगुलरली बच्चों के साथ बातें करते रहेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से पता होगा, तो बच्चे को आप वहाँ पर बचा सकते हैं। और बच्चे जब टीनेज में होते हैं तो उनकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही है, नई नई चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलरली बातें करते रहेंगे तो वो बातें जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं वो आपसे ज़रूर से शेयर करेंगे। अगर आप बच्चे की कांटेक्ट में नहीं रहेंगे या फिर जैसे ही बच्चा आपको कुछ बताता है आप बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, जैसे नॉर्मली हम मदर करते हैं कि बच्चे को पहले तो बोलेंगे चलो बताओ स्कूल में क्या हुआ, क्या गलती कर दी, ये वो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। फिर जैसे ही बच्चा हमें बताएगा कि मैंने ये गलती कर दी, हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, फिर उनके फादर को बताएंगे, फिर वो उनको मारेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस उम्र में छोटी मोटी गलतियाँ, कई बार बड़ी गलती भी बच्चे से होना नॉर्मल है। एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को यू टर्न दे दे। अगर छोटी मोटी गलतियाँ कर भी रहा है तो उनको प्यार से समझाइए कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जैसे आपका बच्चा अगर किसी और बच्चे को बुली करता है, जैसे वो आपको बताता है कि हम सारे ग्रुप मिलकर उस बच्चे को चिढ़ाते हैं, तो आप बच्चे को समझा सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत गलत है, आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ये चीज़ से बच्चे के ऊपर, जो बच्चा बुली हो रहा है उसके दिमाग के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो एज अ पेरेंट आप बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहे, बच्चे के साथ बहुत सारी बातें करें, बच्चे से अगर कोई गलती हो रही है तो प्यार से उनको समझाइए, डराइए या डांटिए या मारिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डांटेंगे मारेंगे तो फिर क्या करेगा, बच्चा सीक्रेट रखना स्टार्ट कर देगा, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मम्मा को बताऊंगा तो फिर मम्मा फादर को बताएंगे, फिर घर का माहौल खराब हो सकता है, तो फिर वो सीक्रेट रखना स्टार्ट कर देगा और क्या करेगा कि जो छोटी गलती उसने करी है उसको सुधारने के लिए और बड़ी गलती वो कर सकता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसमें उतनी समझ नहीं है। तो छोटी गलती को यू टर्न आप कब दे सकते हो, जब आप बच्चे से बहुत सारी बातें करेंगे, उनको समझाएंगे, तब ये हो सकता है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ आप बहुत सारी बातें करें, टाइम स्पेंड करें, उनके फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, वो स्कूल में क्या करता है क्या नहीं करता है, वो गार्डन में या प्लेग्राउंड में क्या करता है क्या नहीं करता है, ये आप बच्चे से ज़रूर से पूछें। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना है वो है बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे स्टडीज़ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि स्कूल, ट्यूशन, उसके बाद उनके पास कोई टाइम ही नहीं बचता है खेलने के लिए। तो दिन में एटलीस्ट 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे। कई बार क्या होता है कि हम मदर क्या करते हैं कि हम तो मोबाइल चलाएंगे और बच्चे को बोलेंगे चलो आप खेलो,
ऐसा नहीं चलेगा, इससे बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आपको खुद बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे आप बच्चे के साथ बाहर जा सकते हो, जैसे आप खुद वॉक करो और बच्चे को बोलो कि चलो मैं वॉक कर रही हूँ, आप यहाँ पर साइकिल चलाओ, जैसे गार्डन में ले जा सकते हो, या फिर आप बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकते हो, या फिर कुछ नहीं तो आप घर पर भी कोई ऐसी गेम्स में बच्चे को इन्वॉल्व करें जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलप हो, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप हो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे फ्री टाइम में क्या करेंगे, मोबाइल टीवी, इससे क्या होता है कि टीवी मोबाइल से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चों का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। तो टीवी मोबाइल का टाइम भी आपको कट करना है, और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना है, या फिर आप घर पर भी एजुकेशनल टॉयज बच्चों को दे सकते हैं जिससे खेल कर बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके, ऐसी गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें, स्क्रीन टाइम जितना हो सके कट करें, बच्चा बैलेंस्ड डाइट ले रहा है या नहीं इसके ऊपर भी ज़रूर से ध्यान दें। बच्चे इस उम्र में ज़्यादा जंक खाना पसंद करते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो चीज़ें भी आप उनको प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको घर की बनी चीज़ें या हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो एज अ पेरेंट इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करें और उनको प्यार से समझाएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।